हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए BMTC 134 यानी कि एलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे, सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और PDF नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट है जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका PDF फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और इन लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बना कर सबमिट करने में, और लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज़ से। इसके साथ ही आपकी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है दोनों का ही PDF फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तारीख को अच्छे से कर पाएंगे। और जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जो कि फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स। और ब्लॉक फर्स्ट में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रिलिमिनरीज। और यूनिट फर्स्ट का भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज केवल हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। यह आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम दे रखा है सम प्रिलिमिनरीज, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर आपकी थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले। प्लस इसके साथ ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा, उसके साथ ही यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए होंगे ना, उसको भी हम आपको साथ के साथ में सॉल्व करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा फिनिश कर लिया, और चैप्टर फर्स्ट के वो क्वेश्चन जो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं आप उन्हें भी कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। क्लास स्टार्ट करें इससे पहले 2 पॉइंट आप नोट करके और समझ लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। पहला पॉइंट, सभी लेक्चर्स और सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप कुछ स्किप करोगे तो मे बी पॉसिबिलिटी आने वाले लेक्चर्स को समझने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपको कोई लेक्चर जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन स्किप मत करना। ठीक है, देन दूसरी बात क्या है, जब भी आप लेक्चर्स देखो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, कोशिश करना अपने नोट्स खुद से बनाओ। जितना आप अपने नोट्स खुद से बनाओगे उतने आपको जल्दी समझ में आएगा और आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम है सम प्रिलिमिनरीज। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर, एक मिनट बच्चों इसको रफ करते हैं, हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमारा जो सबसे पहला वाला जो टॉपिक होने वाला है वो होगा हमारा डिविजिबिलिटी इन जेड। कि जेड का मतलब तो आपको पता है, इंटीजर क्या होगा, हम अभी आपको इसका मतलब ही बताएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी इन जेड का क्या मतलब है, और फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग एक सब टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक ए, इसका नाम होगा लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो समझेंगे। देन सेकेंड टॉपिक के अंदर आपको कई सारी थ्योरम पढ़नी होगी, जैसे यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, जैसे आपका टॉपिक ए यहाँ पे दे रखा है, सेकेंड का जो ए पार्ट है थ्योरम फर्स्ट है ना, बी पार्ट में थ्योरम टू, सी पार्ट में थ्योरम थर्ड, डी पार्ट में थ्योरम टू का डैश है ना, और ई पार्ट में थ्योरम थ्री का डैश। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी थ्योरम दे रखी है ना, आपको इनकी केवल
डेफिनेशन समझना है, यानी इनकी स्टेटमेंट को आपको समझना है केवल। एग्जाम में इन थ्योरम में से कोई भी आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है। ये बुक में भी लिखा है, जब हम आपको ये थ्योरम करवाए समझाएंगे ना, हम आपको बुक में भी दिखा देंगे, बुक में कहाँ पर लिखा है कि इन थ्योरम का आपको केवल स्टेटमेंट समझना है, प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। साथ में सब करवाते हुए चलेंगे। देन उसके बाद टॉपिक नंबर थर्ड में हम लोग करेंगे हमारी थ्योरम नंबर फोर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसका एक बड़ा सा स्टेटमेंट भी है, लेकिन वो बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसका एक शॉर्ट नेम लिख दिया, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर फोर, जिसका नाम है डिवाइजर। और डिवाइजर टॉपिक के अंदर ही हम लोग सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी फोर का ए पार्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉमन डिवाइजर क्या होता है, बी पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसे कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में GCD भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरम फिफ्थ, और जो थ्योरम फिफ्थ होगी वो GCD पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। जो आप GCD यहाँ पर सीखोगे ना, GCD से ही रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर फाइव। उसकी स्टेटमेंट अगेन बड़ी थी, यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए हमने केवल थ्योरम का नंबर लिख दिया है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नंबर फिफ्थ, जिसमें हम लोग करेंगे मल्टीपल किसे कहते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फिफ्थ के अंदर टॉपिक ए पढ़ेंगे, फिफ्थ का ए पार्ट कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं, और बी में हम लोग पढ़ेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर LCM किसे कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर सिक्स स्पेशल नंबर्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ए में रिलेटिव प्राइम या को प्राइम किसे कहते हैं। ध्यान रखना रिलेटिव प्राइम को ही को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन इससे एग्जाम्पल दिखाएंगे जब हम आपको लेक्चर्स में करवाएंगे। और सिक्स के बी पार्ट में हम लोग करने वाले हैं कि प्राइम या फिर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ठीक। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक सी के अंदर थ्योरम सिक्स, और जो थ्योरम सिक्स है आपके पार्ट ए और पार्ट बी पर डिपेंड करेगी, इसलिए हमने इसको टॉपिक नंबर सिक्स के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। थ्योरम सिक्स की भी स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, तो यहाँ पर स्टेटमेंट तो लिखने की जगह नहीं होती, इसलिए हमने सभी थ्योरम का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस बात को आप समझ जाइएगा, बार बार हम इसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। देन टॉपिक नंबर सेवन में हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर सेवन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के भी दो पार्ट होंगे, इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर सेवन के अंदर ही हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ए कोरोलरी फर्स्ट, ये भी क्या है फंडामेंटल थ्योरम पर ही डिपेंड करेगी। और टॉपिक भी पढ़ेंगे सेवन का बी पार्ट पढ़ेंगे थ्योरम नंबर एट, ये भी किस पर डिपेंड करेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर ही डिपेंड करेगी दोनों की दोनों, ठीक है। ये इसीलिए इसके अंदर है। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर एट, जिसमें हम लोग करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर नाइन, इसमें हम लोग सीखेंगे रिलेशन और उसके टाइप्स के बारे में, रिलेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और टॉपिक नंबर नाइन के अंदर हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और नाइन्थ के बी पार्ट में हम लोग करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, नाइन्थ के सी पार्ट में हम लोग करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक्चुअली में सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर आपके पास टाइम है, आप रेगुलर पढ़ते हो ना, तो कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं होगा, सब ईजी है, ठीक है। बस आपको टाइम देना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा। और टॉपिक नंबर डी में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और ई में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, ठीक है। देन टॉपिक नंबर टेन में हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशन किसे कहते हैं, अगेन डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सब देखेंगे। और टेंथ के ए पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर नाइन, और थ्योरम नंबर जो नाइन है वो पार्टीशन से ही रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नंबर इलेवन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स आपके पूरे बुक्स में कहीं ना कहीं यूज होने वाली है। इसमें आप देखोगे इलेवन के ए पार्ट में हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स के टाइप। बी में करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। सी में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऊपर कौन कौन से लॉ हैं जो अप्लाई होते हैं। देन थ्योरम नंबर इलेवन के डी पार्ट में और ई पार्ट में हम लोग क्या करने वाले, थ्योरम नंबर टेन और थ्योरम नंबर इलेवन को हम लोग प्रूफ करेंगे। देन टॉपिक नंबर ट्वेल्व में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू परम्यूटेशन, परम्यूटेशन क्या होता है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे ट्वेल्थ के ए पार्ट में रिजिड बॉडी मोशन क्या है, दूसरे में सिमेट्रिक, और तीसरे में परम्यूटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरी बुक में, ध्यान रखना। ये तो आपकी जो पूरी बुक होगी ना, चाहे आपका आपको जो BMTC वन की वो जो पूरी बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज होगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, डिविजिबिलिटी इन जेड। जेड का मतलब वैसे आप लोग जानते हो इंटीजर है,
अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल में फिर भी बताएंगे, ठीक है, ये करेंगे। देन इसी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं कि लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट किसे कहते हैं। ध्यान रखना, लीस्ट एलिमेंट है ना, लीस्ट एलिमेंट बोलो या फिर मिनिमम एलिमेंट बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, दोनों ही क्या आपस में इक्वल है, दोनों का मतलब सेम है। आप कुछ भी बोल सकते हो, या तो लीस्ट एलिमेंट बोलो या फिर मिनिमम एलिमेंट बोलो, बात दोनों की एक ही होगी, ठीक है। तो नोट करके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। पहले इंटीजर को समझ लेते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर को हम लोग जेड से भी शो करते हैं या फिर हम इंटीजर को आई से भी शो करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप जेड से भी शो कर सकते हो और आई से भी शो कर सकते हो। इंटीजर में टोटल तीन टाइप के नंबर्स होते हैं। पहला जो सेंटर में होता है वो होता है जीरो, ठीक है, और जीरो के जो राइट साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। कैसे होते हैं वो सारे के सारे, पॉजिटिव नंबर होते हैं। एक मिनट बच्चों, बस एक सेकेंड। जीरो के जो राइट साइड में नंबर कैसे होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे आपका प्लस का वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ऐसे करके सारे प्लस इन्फिनिटी तक। याद रखना, लिखकर प्रैक्टिस करना। और जो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसमें सारे नंबर कैसे होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे करते हुए माइनस इन्फिनिटी तक। तो कुल मिला के जो इंटीजर होते हैं उसके टोटल तीन पार्ट होंगे। पहला होगा आपका जीरो, जिसमें केवल एक ही नंबर आएगा आपका जीरो, और लेफ्ट में क्या होगा आपका नेगेटिव इंटीजर, जिससे हम लोग आई नेगेटिव से, है ना, या तो आप उसे आई नेगेटिव से शो कर दो या फिर उसे आप जेड नेगेटिव से शो कर दो, आप किसी से भी शो कर सकते हो। इसमें सारे कैसे होंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस और ये नेगेटिव, शॉर्ट में लिखते हैं इसे नेगेटिव, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जिसको हम लोग आई पॉजिटिव से या फिर हम लोग जेड पॉजिटिव से भी शो कर सकते हैं। इसमें सारे देखो पॉजिटिव नंबर है ना, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, ऐसे करते हुए। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, आप देखो जो जितने भी ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये एक्चुअली नेचुरल नंबर भी होते हैं। आप वीडियो को पॉज करके मैच करो जरा, देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये प्लस का वन है, ये भी प्लस का वन है। अरे आप जानते हो ना, आप प्लस वन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही तो होगा, है ना। देखो यहाँ पे प्लस वन, ये भी प्लस वन, प्लस टू, ये रहा प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस थ्री, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के जो नंबर होते हैं, ये तो पता है पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से भी शो करते हैं, और ये किसके इक्वल होते हैं, नेचुरल नंबर के भी इक्वल होते हैं, ध्यान रखना भी इस बात से। यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, सेम होता है, बस पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर बोलोगे तो या तो आई प्लस से शो करोगे या तो जेड प्लस से शो करोगे, और अगर आप नेचुरल नंबर बोलोगे तो आप एन से शो करोगे। इतना क्लियर है। देन अब इस एक बात और नोटिस करो, एक मिनट को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा चाहिए होगा हमें भी जहाँ पर जगह। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को भी ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो ये सारे सारे कैसे हैं पॉजिटिव इंटीजर, देखो यहाँ पे नीचे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है प्लस के, और हमने किसको ऐड, हमने जीरो को ऐड कर दिया। अगर पॉजिटिव इंटीजर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका होल नंबर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करके लिखते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका होल नंबर बन जाएगा। बोलो इतना बेसिक आपको क्लियर है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक क्या था, डिविजिबिलिटी इन जेड। अब आपको जेड का मतलब अच्छे से पता होगा, नहीं पता है दोबारा से वीडियो को देखना और कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस करना। आपको जब तक जेड का मतलब नहीं पता होगा, इंटीजर का मतलब नहीं पता होगा, तब तक ये टॉपिक स्टार्ट मत करना, ठीक है। अब देखो इंटीजर का क्या मतलब है, ये हमने आपको समझा दिया था, जेड से शो करते हैं। इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं ना, और ये आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, और सेंटर में हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। इतना बोलो आपको सबको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे कि डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है। लेट 2,6 बिलोंग्स टू जेड। हमने क्या किया, हमने दो नंबर एज्यूम किए 2 और 6, और किस में से एज्यूम किया, इंटीजर में से एज्यूम किया। अब पहले वाले केस में देखना, अगर हम पहले वाले केस में अगर हम 6 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, 3। और आप चेक करो क्या ये जो आंसर है, क्या ये आंसर इंटीजर में बिलोंग करता है, आप बोलोगे यस, है ना। यहाँ क्या होगा आपका यस। समझने की कोशिश करना, दोबारा से हम बोल रहे हैं, आपने जो दो नंबर एज्यूम किए 2 और 6, जब हमने 6 में 2 का डिवाइड किया, अभी हम 2 में 6 का भी डिवाइड करके दिखाएंगे, जब हमने 6 में 2 का डिवाइड किया तो आपका एक आंसर आ गया 3, और वो 3 किस में बिलोंग करेगा, जेड के अंदर।
तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफोर अभी पूरा देखना लेक्चर, ठीक है। देयरफोर सिक्स इज डिविजिबल बाय टू इन जेड, ठीक है। देखो डिविजिबल होने का मतलब है अगर हम सिक्स में टू का डिवाइड करें और जो आंसर आता है, अगर वो आंसर भी जेड के अंदर आपको मिल जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर यानी कि जो सिक्स है वो डिविजिबल होगा किससे, टू से। जैसे इसी का हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ना, इसी को अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए अगर हमने टू में सिक्स का डिवाइड कर दिया, पहले वाले केस में हमने क्या किया था, पहले वाले केस में हमने सिक्स में टू का डिवाइड किया, अब हम क्या करने वाले हैं, टू में सिक्स का डिवाइड करने वाले हैं और इसको अब हम चेक करेंगे, ठीक है। जब हम टू में सिक्स का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, 1/3। अब चेक करो क्या 1/3 इंटीजर में बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग नहीं करता है। तो इस केस में आप लिखोगे देयरफोर टू इज नॉट डिविजिबल बाय सिक्स इन जेड। एक्चुअली में टू में सिक्स का डिवाइड, टू में सिक्स का डिवाइड करने पे आंसर तो आ रहा है 1/3, कोई दिक्कत नहीं आंसर आने में, लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए, इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग करेगा तब हम बोल देंगे कि टू सिक्स डिविजिबल है, क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एक सेकेंड बचा, क्योंकि 1/3 इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे टू इज नॉट डिविजिबल बाय सिक्स इन जेड। अभी इतना आपको समझ आ गया, तो नोट करके कहने का मतलब यही है, अगर हम किसी भी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लो अगर हम ए में एक एक सेकेंड एक सेकेंड बाद एक एक मिनट बच्चों, ये एक सेकेंड नोट करके समझना। लेट हमने दो नंबर ले लिए, ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट एस। अब ये सेट एस कुछ भी हो सकता है, सेट एस का मतलब क्या है, सेट एस का मतलब अरे बच्चों नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कोई सा भी सेट हो सकता है ना। अभी हमने आपको किस इंटीजर के बारे में समझाया, तो कहने का मतलब है मान लीजिए आपने दो नंबर ले लिए ए और बी जो सेट एस को बिलोंग करते हैं, और अगर हमने ए में बी का डिवाइड किया और आपका एक आंसर आ गया सी, कुछ भी आंसर तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अगर हमने ए में बी का डिवाइड किया और आपका आंसर क्या आ गया सी, और सी अगर सेट एस में मिल जाता है, तब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ठीक है आप समझ जाओगे। इस केस में हम बोलेंगे कि ए इज डिविजिबल बाय बी इन एस। बोलो अभी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक सेकेंड बस एक सेकेंड, थोड़ा सा ये गंदा सा लग रहा है लिखने में, एक मिनट बस, सहीगा। इस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए इज डिविजिबल डिविजिबल बाय बी इन सेट एस, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर है वो सेट एस के अंदर भी आएगा, अगर नहीं आएगा तो नॉट डिविजिबल कर दोगे। बोलो इतना क्लियर है, आई थिंक इतना आपको अच्छे से आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल हम लोग आपको और दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ध्यान रखना हम सेट कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, और नेचुरल नंबर में क्या होता है हमारे पास, वन होगा, टू होगा, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सारे नंबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसमें आप लोग क्या करो, कोई से भी दो नंबर एज्यूम कर लो। हमने क्या किया, लेट सेम इसी में मान लो टू और सिक्स ले लेते हैं ना, अगेन इसमें ऐसा करो टू और फोर ले लेते हैं, 2,4 बिलोंग्स टू, एंड आप कोई से भी दो नंबर लेके चेक कर लेना। पहले वाले केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, 4/2 करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, टू, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, है ना। अभी देखो सारे लिख देते हैं फिर समझाते हैं, अगर हम 2/4 करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें, आप नहीं जानते हो कि 2/ जो 4 है, जो 1/2 आया वो किस में बिलोंग करेगा, वो एक्चुअली रैशनल नंबर में बिलोंग करता है ना। और आप ये भी जानते हो 1/2 किस में बिलोंग करता है, 1/2 रियल नंबर में भी बिलोंग करता है ना, 1/2 और किस में बिलोंग करता है, एक सेकंड बस नीचे लिख देंगे ना, और 1/2 जो है, 1/2 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बिलोंग करता है। इतना आपको क्लियर है,
इस केस में आप लोग क्या बोलोगे, पहले वाले केस में आप लोग ये बोलोगे, यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है। तो पहले वाले आप केस में बोलोगे कि फोर इज डिविजिबल, है ना, फोर इज डिविजिबल बाय टू इन एन। क्यों? क्योंकि जब हम फोर में टू का डिवाइड करें तो आंसर है वो आपका नेचुरल नंबर आ रहा है। सेकेंड वाले हम केस में क्या बोलेंगे, एक सेकेंड बच्चों लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई। इस सेकेंड वाले केस में हम लोग बोलने वाले हैं, ये बोलेंगे देखो जब हमने टू में फोर का डिवाइड किया आपका आंसर क्या है, वन अपॉइंट टू, और वन अपॉइंट टू क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता। तब इस केस में बोलेंगे टू इज नॉट डिविजिबल बाय फोर इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में डिविजिबल नहीं है, क्यों? जब हमने डिवाइड किया तो आंसर वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आया, लेकिन जब हमने टू में फोर का डिवाइड किया आपका आंसर कितना आ गया, वन पॉइंट टू, और वन पॉइंट टू तो रैशनल नंबर के अंदर होता है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे, इस केस में हम लोग बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि टू इज डिविजिबल बाय फोर इन रैशनल नंबर, है ना। और यहाँ भी देखो जब हमने टू में फोर का डिवाइड किया आपका आंसर कितना आ गया, वन पॉइंट टू, और वन पॉइंट टू तो रियल नंबर के अंदर है। तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि टू इज डिविजिबल बाय फोर इन रियल नंबर, है ना। सेम इसी तरीके से हमने टू में फोर का डिवाइड किया, वन पॉइंट टू है, और आप जानते हो वन पॉइंट टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आपको इन नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग बोलते हैं, फिफ्थ में भी हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टू इज डिविजिबल डिविजिबल बाय फोर इन कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि डिवाइड करने के बाद जो आंसर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आ रहा है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनल जस्ट इसका एक सिंबल बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिंबल में, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ, इफ ए कॉमा बी, हम केवल इंटीजर की बात कर रहे हैं ना, आप सिलेबस में इंटीजर का, लेकिन आपको जनरली समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, यानी ए और बी दो इंटीजर है और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है समझो, देखो अगर यहाँ कहीं लिखा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है हम ए में बी का डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कोई सी आएगा, कोई नया नंबर आएगा। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड और लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस केस में बी अपॉन ए होता तब आपका आंसर कोई सी आता। ऐसा क्यों? आप सभी जानते हो जो नीचे वाला जो नंबर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। अगर कोई नीचे वाला नंबर जीरो हो जाता तो उसका आंसर इन्फिनिटी बन जाता है, इसलिए इस वाले केस में बोल रखा है कि बी आपका जीरो नहीं होगा, तभी हमने बी को नीचे रखा है। इस केस में बोला है ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए तो हमने ए को नीचे जीरो रखा है। अभी इतना समझ में आ गया। अगर कहीं पर ये लिखा मिल जाए x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड और x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि आप y में x का डिवाइड कर रहे हो, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, नीचे होगी, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है। बस एक मिनट, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, हाँ एक सेकेंड फिर से इसे रफ करके हमें रिपीट करना पड़ेगा। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, अगर ए और बी कोई दो इंटीजर हैं और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन हम लोग क्या करेंगे, ए में बी का डिवाइड करेंगे और एक आपका आंसर सी मिलेगा, और सी क्या होना चाहिए, जेड के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तब हम क्या कह सकते हैं, देन वी कैन से ए इज डिविजिबल बाय बी इन जेड, यानी ए इज डिविजिबल बाय बी, आपका आंसर सी आएगा, और सी क्या होना चाहिए, जेड के अंदर बिलोंग होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं ए इज डिविजिबल बाय बी, और अगर ऐसा हो जाता है ए का बी में डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर सी आता है और वो जेड में बिलोंग नहीं करेगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा, तब हम बोलेंगे ए इज नॉट डिविजिबल बाय सी। अभी ठीक है, जैसे हमने डिविजिबिलिटी किस में चेक की, जेड में, आप नेचुरल नंबर में चेक कर सकते हो, होल नंबर में, रियल नंबर में, रैशनल में, एनी सेट कोई किसी भी सेट में आप चेक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं, जो आपकी डेफिनेशन एक्चुअली बुक में लिखी है, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी इन जेड का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में। ध्यान रखना आपके बुक में क्या, आपकी जो लैंग्वेज इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है, ए टू जेड स्मॉल लेटर 26 ए रखे हैं ना, कैपिटल लेटर 26 ए रखे हैं,
तो आपको केवल समझना है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे यहाँ पे ए बी सी का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, इसको तो हम लोग रफ कर देते हैं और डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है। क्या लिखी है? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी दो इंटीजर हैं और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप ये बुक की डेफिनेशन अकॉर्डिंग करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, देन वी कैन से ए इज डिवाइड बी, यानी ए डिवाइड करता है किसको? बी को, इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी सच दैट बी इक्वल टू सी। समझो इसका क्या मतलब है। पहले देखो, इसने बोल रखा है, इसने बोला इसमें कि अगर आपके पास ए कॉमा बी दो इंटीजर हैं और दोनों इंटीजर में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या है कि ए आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी ए जीरो नहीं होगा, बाकी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है और बी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। देन तब हम क्या बोलेंगे, और अगर आपका बी डिवाइड कर रहा है किसको, सॉरी ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, तो ए बी को तभी डिवाइड करेगा जब डिवाइड करने के बाद आपको एक आंसर मिलेगा सी, है ना। और वो सी किसमें बिलोंग होना चाहिए, इंटीजर में बिलोंग होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? इंटीजर में। अरे बच्चों आप जानते हो, जब भी आप किसी भी दो नंबर को डिवाइड करोगे आपका एक आंसर मिलेगा टू, है ना। सिक्स में करोगे थ्री का आपका आंसर मिलेगा टू, नाइन में करोगे आप थ्री का आपका आंसर मिलेगा कितना, थ्री। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, समझो ये वाला जो राइट हैंड साइड में लिखा होता है इसे हम एज्यूम करते हैं क्या सी, और जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया, हमने बी, और जो नीचे वाला जो नंबर है उसे हमने क्या एज्यूम कर लिया ए। ये बोल रखा है कि जब भी हम बी में ए का डिवाइड करेंगे तो आपको एक ऐसा नंबर सी मिलना चाहिए, और सी वो किसमें होना चाहिए, इंटीजर जेड के अंदर, और आप इंटीजर जेड के अंदर होना चाहिए। आप मुझे बताओ क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे? आपका ये तो आंसर आया था बी अपॉन ए इक्वल टू में सी, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते बी इक्वल टू में ए सी? बोलो, आप इसको चाहो ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ेगा, बी इक्वल टू में सी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट, दोनों का मतलब एक ही तो है ना। और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। कैसे करके लिख पाओगे? जैसे यहाँ पे ए नीचे लिखा है, आप इसे बी अपॉन ए भी कर सकते हो, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी इक्वल टू ए भी कर सकते हो, तब भी क्या फर्क पड़ा? अरे इन दोनों की पोजिशन को हम आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर आप फिर इस केस में भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही बात पड़ी, बी इक्वल टू में सी ए, है ना। आपको सिर्फ हम समझा रहे हैं कैसे कैसे इसका मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ दिख जाता है तो इन सभी का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, है ना। इन सभी का मतलब क्या होगा, बी ए को डिवाइड करता है तो आपका आंसर सी आता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जब बी में सी से डिवाइड करते हैं तब आपका आंसर ए आता है ना। ये सब इन सब का मतलब एक ही होता है। ठीक ठीक अब यहाँ पे एक नोट करके और देखो जरा, नोट करके, अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा दिख जाता है बी अपॉन ए इक्वल टू सी, या फिर आपको ये लिखा दिया था बी इक्वल टू में ए सी, तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? रीड करने का मतलब ही समझो जरा, एक मिनट रुको बस। सबसे पहला वाला पॉइंट इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे बोल सकते हैं बी इज डिवाइड बाय ए, है ना। देखो यहाँ पे, देखो हम अलग से लिख देंगे, एक मिनट, बी जो है ए को डिवाइड करता है, यही तो इसका मतलब हुआ, यानी बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या मतलब है, एक फिर उसका कलर चेंज करेंगे, वाइट से लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिख सकते हो कि ए डिवाइड्स बी। अरे बच्चों दोनों का मतलब एक ही तो है, आप ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, ये भी तो आप, इसका मतलब भी तो यही हुआ कि ए डिवाइड करता है बी को या फिर बी डिवाइड होता है ए से, बात एक ही हो गई, है ना। अब थर्ड देखो, थर्ड इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, थर्ड हम इसे बोल सकते हैं ए इज डिवाइजर ऑफ बी, डिवाइजर ऑफ बी, यानी ए क्या है, ए डिवाइजर है किसका, बी का, यानी जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं ना। समझो नीचे वाला जो नंबर होता है ना, किसी डिवाइड में जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, किसका, ऊपर वाले नंबर का, इतना ठीक है। हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसे, हम लोग फोर्थ में क्या बोल सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं
इज अ फैक्टर ऑफ बी, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इस बात को भी आप समझो। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे बी अपॉन ए लिखा है, मान लो हम बी में ए से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो नीचे वाला नंबर जो होता है ऊपर वाले का फैक्टर कहलाता है, यानी ए क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, बी का। ठीक है, जैसे आप समझो, अगर हमने फोर में अगर हम टू का डिवाइड दे पा रहे हैं, तो जो टू होगा टू फैक्टर कहलाता है ऊपर वाले नंबर का, इतना ठीक है। देन नेक्स्ट देखो, फिफ्थ नंबर में हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ में हम लोग इसे भी बोलते हैं कि बी इज अ मल्टीपल, एक सेकंड बच्चों, मल्टीपल ऑफ बी है ना, सॉरी सॉरी, मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए, क्यों, क्योंकि हम बी को कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते, बी इक्वल टू में ए सी, या तो आप ए सी करके लिख दो या फिर आप बी इक्वल टू सी ए करके लिख लो, इसे हम दो चीज बोल सकते हैं। एक मिनट इसको भी यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट जस्ट वन मिनट बच्चों, जस्ट वन मिनट, एक मिनट एक मिनट, या फिर ऐसे बोल दो पी इज अ मल्टीपल ऑफ सी, हम दोनों चीज बोल सकते हैं है ना, क्यों, क्योंकि हम बी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी ए। अरे आपको नहीं समझ में आया, देखो यहां समझा देते हैं, नोट कर देखो, अगर मान लो सिक्स है, सिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो टू इंटू थ्री लिख दो, या फिर सिक्स को आप थ्री इंटू टू लिख दो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो सिक्स क्या है, सिक्स टू टाइम से किसका, थ्री का, है कि नहीं, सिक्स टू टाइम से थ्री का, तो ये क्या, बी ए टाइम से किसका, सी का, यानी बी क्या है, बी क्या है, मल्टीपल है किसका, एट, एट टाइम्स मल्टीपल है। अब बच्चों जो बेसिक साइज आपको समझ में आ रहा होगा ना, और सिक्स अगेन इसको उल्टा भी रिपीट करके हम लिख सकते हैं कि जो सिक्स है वो थ्री टाइम से किसका, टू का, थ्री टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये हमने लिखा है। और जो टाइम्स होता है, टाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल तो बोलते हैं, जो टाइम समझ पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल ही तो बोलते हैं। ठीक है, वही हमने लिखा है कि बी जो होगा बी ए का भी मल्टीपल हम बोल सकते हैं, और बी क्या होगा बी सी का भी मल्टीपल हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब आपका नोट करके ये एक पॉइंट और देख लीजिए, ठीक है, नोट करके, पहला पॉइंट, इफ ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, तो हम उसे लिखते कैसे, हम उसे एस इस तरीके से लिखते हैं, यानी ए और डिवाइड बी, ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ध्यान रखना, यानी जिस नंबर से डिवाइड करते हैं ना वो नंबर आगे लिखते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, फिर बी लिखते हैं। ठीक है, इस दूसरे केस में अगर मान लो ये दे रखा है, इफ ए डज नॉट डिवाइड बी, तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, ए है ना, इसमें फिर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, डज नॉट डिवाइड बी, डिवाइड करेगा तो ये सिंबल आएगा, और डिवाइड नहीं करेगा तो आपका ये सिंबल आएगा, लेकिन जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम लोग आगे लिखते हैं, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखना नोट करके। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आगे करते हैं, एक नोट करके एक पॉइंट और समझ लीजिए। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोल रखा है, समझना आराम से, फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, अगर ए और बी कोई से भी दो इंटीजर हैं, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब आपको क्लियर होगा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ए से डिवाइड कर रहे हैं, इफ ए डिवाइड बी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए सी इक्वल टू बी, इतना आपको क्लियर होगा, और वो जो सी होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, इसका मतलब समझा देते हैं, फिर जब प्रूफ भी करते हैं ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। देखो तो नोट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई से भी दो नंबर एज्यूम कर लिए, लेट टू कॉमा सिक्स बिलोंग्स टू जेड, आपने दो नंबर एज्यूम कर लिए, और पहले वाले केस में आपने क्या किया, मान लीजिए आपने सिक्स में टू का डिवाइड किया, आपका आंसर कितना आएगा, थ्री। अब वीडियो को पॉज करके पॉसिबिलिटी सोचना, क्या जब हम सिक्स में टू का डिवाइड करते हैं तो थ्री के अलावा क्या एक और नंबर आ सकता है, आपका आंसर मिलेगा नहीं, है ना। उसी तरह कोई से भी दो नंबर सोच लीजिए, मान लीजिए हमने कोई दूसरा नंबर सोच लिया, मान लीजिए 15 में अगर हम थ्री का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका फाइव आएगा। अब वीडियो को पॉज करके सोचना,
क्या जब हम 15 में 3 का डिवाइड करेंगे क्या एक और नंबर आ सकता है, क्या ऐसा ही कोई नंबर आएगा? उसका भी आंसर होगा क्या, नहीं नहीं आएगा ना। तो वही मतलब है, और आप सभी जानते हो डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर आते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सी बोलते हैं। और हमें यही प्रूफ करना है जो सी होगा वो कैसा होगा, हमारा यूनिक होगा। ठीक है, तो फाइनल हम यहाँ पे बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी हम बी में ए का डिवाइड करेंगे, कुछ भी है ना नीचे, या इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको, तो हमारा जो सी आएगा जो कि इंटीजर में बिलोंग करेगा, वो सी कैसा होगा हमारे पास, यूनिक होगा, है ना। और आप सभी जानते हो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग सिर्फ से बी इक्वल टू हम लोग ए सी बी करके लिख सकते हैं, या फिर बी इक्वल टू हम लोग सी ए करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि हमारा जो सी होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, ठीक है, डायरेक्ट बुक में नहीं देखी, बुक में एक स्टेटमेंट है, लेकिन एग्जाम में आपको प्रूफ करने के लिए आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल अगर हमने ए और बी लिया, हो सकता है बुक में एक्स और वाई आ जाए, सी और डी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है, सिंबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी का यही होगा, वही लिखा है फोर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ ए डिवाइड बी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए सी इक्वल टू बी देन शो दैट सी इज यूनिक। आपको शो करना है सी कैसा होगा, हमारा यूनिक होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही इजी है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, देखो इसे करने से पहले यहाँ पे नोट करके हम आपको एक चीज समझा देते हैं। हम क्या मानेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि जब हम बी में ए का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो नंबर मिलेंगे, कौन कौन से, हमें सी बी मिलेगा और हमें डी बी मिलेगा। समझने की कोशिश करना, हम ना उल्टा मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे कि जब हम बी में ए का डिवाइड करेंगे तो हमें सी बी मिल रहा है और डी बी मिल रहा है, और हमें एट द एंड हमें ये प्रूफ करना है ये जो सी और डी होगा एक्चुअली में सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए आपने क्लास में किसी स्टूडेंट से बोला बी में ए का डिवाइड करो, है ना, आपने बोला बी में ए का डिवाइड करो, एक स्टूडेंट का आंसर आया सी, एक का आंसर आया डी, और एक्चुअली में जो दोनों का आंसर आया सी और डी, दोनों की वैल्यू क्या होगी एक्चुअली में सेम होगी, यानी सी और डी क्या होंगे, सेम होंगे। अभी इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट वी हैव टू इंटीजर, वी हैव टू इंटीजर सी कॉमा डी फॉर ए डिवाइड बी। मतलब सिंपल सा मतलब है, जब हम बी में ए का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो आंसर मिलते हैं सी और डी, हमने ऐसा एज्यूम किया है ना, डिवाइड करते हैं तो हमें, ठीक है, सच दैट, इसी बात से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ए में बी का डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी और डी आ रहा है, तो हम इसको कुछ ऐसे ही नहीं लिख सकते कि बी अपॉन ए इक्वल टू में सी, यहाँ लिख दो फोर सम सी बिलोंग्स टू जेड, और इस चीज को हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई बी इक्वल टू में ए सी, है ना, अगेन फोर सम सी बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, देन नेक्स्ट, अब एक बात समझो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान से, जब हमने ए का डिवाइड किया बी में तो आपका आंसर क्या आ गया सी, लेकिन आंसर डी भी तो आ रहा है, तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं अगेन, एंड जब हमने बी में ए का डिवाइड किया तो आपका आंसर डी भी तो आ रहा था, है ना, फोर सम डी बिलोंग्स टू जेड, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू में ए डी, ये भी कितना हो गया हमारे पास फोर सम डी बिलोंग्स टू जेड, हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप नोटिस करो, इक्वेशन सेकेंड का ये लेफ्ट हैंड पार्ट है ना, और इक्वेशन फर्स्ट का ये लेफ्ट हैंड पार्ट, दोनों देखो सेम है, ये भी बी है ना, और ये भी आपका बी है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वेशन क्या होगी आपकी, सेम होगी। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, सिंस फ्रॉम इक्वेशन, एक सेकेंड बच्चों, सिंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट एंड सेकंड, हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ए सी इक्वल टू में हमारे पास ए डी, और यहाँ से कैंसिल आउट करो तो हमारे पास क्या, ए से ए कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सी इक्वल टू में डी। देखो हमारे पास सेम आंसर आ गया। एक्चुअली हमारा जो दो, हमने दो एज्यूम किए थे वो दो ना होके एक ही होगा। हमने एज्यूम क्या किया था कि बी में ए का डिवाइड करो आपके पास आंसर सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। एक्चुअली में हमें वो सी और डी को एक ही ग्रुप बनना था, सी और डी कोई अलग नहीं है, वो एक ही है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, देयरफॉर सी इज यूनिक प्रूव, इतना हमें करना था, कर लोगे? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नोट नंबर थ्री पर, है ना। यहाँ पे जीरो का क्या रोल है इसको जरा समझना। देखो वीडियो को अब पॉज करके इसको रिमार्क टू को बाद में पढ़ना, अभी हम जो समझा रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत इजी है। देखो आप सभी जानते हो अगर हम जीरो में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है, जीरो आता है ना। उसको हम लिखते हैं फोर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड, मतलब यहाँ पे जेड क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल जेड है ये क्या है, आपके इंटीजर हैं, ठीक है। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करें, जरा समझने की कोशिश करना, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम जीरो में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, वन का, तो आपका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते जीरो इक्वल टू में जीरो अपॉन में वन, अरे ये वाला वन है इसके नीचे आ गया, है ना। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, जो आपको आराम से समझ में आएगा। दूसरा अगर हमने क्या किया, जीरो में अगर हमने टू की मल्टीप्लाई की तभी आपका आंसर कितना आता है, जीरो। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो इक्वल टू में जीरो अपॉन में टू, है ना। थर्ड देखो अगर हमने क्या किया, अगर हमने जीरो में माइनस वन की मल्टीप्लाई की तभी आपका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस केस में भी हम लोग लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन में माइनस वन, कर सकते हैं। और यहाँ पे आप समझो इस बात को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अगर हम जीरो में वन का डिवाइड करें तब भी आपका आंसर जीरो आए, जीरो में हम टू का डिवाइड करें तब भी आपका आंसर सेम जीरो आए, अगर हम जीरो में माइनस वन का डिवाइड करें तब भी आपका आंसर सेम आए। मतलब अगर हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर जीरो सेम टू सेम आ रहा है, समझ रहे हो। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड बस रुकना जरा, बस एक सेकेंड, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ये ऐसे समझ लो, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो आपस में, है ना, इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर दो। देखो क्या होता है, अभी क्या हो जाएगा, वन इक्वल टू में जीरो अपॉन में जीरो, दूसरा कितना हो गया टू इक्वल टू में जीरो अपॉन में जीरो, तीसरा कितना हो गया हमारे पास, ये माइनस वन और इक्वल टू में जीरो अपॉन में जीरो। अब खुद सोच के हमें बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम जीरो में जीरो का डिवाइड करें तो आपका आंसर वन आए, सेम जीरो में जीरो का डिवाइड करें आपका आंसर टू आ जाए, जीरो में जीरो का डिवाइड करें माइनस आपका आंसर माइनस वन आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, जीरो में जीरो का डिवाइड करना कैसा है, मीनिंगलेस है या फिर अनडिफाइन है, है ना, या ऐसे कर दो अनडिफाइन है। वही यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, है ना। एंड डिवीजन बाय जीरो इज कंसीडर मीनिंगलेस, जीरो बाय जीरो इज अनडिफाइंड। अभी आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आपका नेक्स्ट और ये लास्ट टॉपिक करते हैं, लास्ट टॉपिक क्या लिखा है, लीस्ट एलिमेंट या फिर आपका मिनिमम एलिमेंट, दोनों का मतलब एक ही, आप लीस्ट एलिमेंट बोलो या फिर मिनिमम एलिमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। पहले यहाँ पर हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं, फिर इसके आपको डेफिनेशन समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सेट एस दे रखा है, एक सेट एस दे रखा है, उसमें एलिमेंट क्या दे रखे हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो किसी भी सेट का जो सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी के जो नंबर होते हैं वो उससे बड़े होते हैं, तो इस केस में लीस्ट एलिमेंट को हम लोग किससे शो करेंगे, का कलर चेंज कर लेते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। और बाकी के जितने भी नंबर है उसको हम लोग किससे शो करेंगे, बी से। तो वही यहाँ पे बोल रखा है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस, यानी एक ऐसा एलिमेंट, यानी एक ऐसा एलिमेंट जैसे कि वन,
है ना। और वो जो क्या है वो सेट एस के अंदर है, यानी वन सेट एस के अंदर भी तो है ना। तो उस एलिमेंट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट एलिमेंट या फिर मिनिमम एलिमेंट ऑफ एस, इफ अगर ए जो है बी से कैसा हो, लेस देन हो, अगर ए जो है सभी बी से लेस देन हो, फोर और बी बिलोंग्स टू एस। मतलब देखो वन क्या है, वन आपका टू से भी छोटा है, थ्री से भी छोटा है, फोर से भी छोटा है, फाइव से भी छोटा है, सिक्स से भी छोटा है, पर इन सभी को हमने क्या माना, यानी कि जो आपका वन है, एक सेकेंड, वन को हमने ए माना था ना, एक मिनट बच्चों बस, यानी जो आपका ये वन है यानी ए है, ए क्या है लेस देन और इक्वल होना चाहिए बाकी के सारे एलिमेंट से, है ना। फोर और बी बिलोंग्स टू एस, और इसी छोटे वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अभी आपका जो टॉपिक फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट आपका फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जो टॉपिक फर्स्ट है डिविजिबिलिटी इन जेड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा फिर रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ में इसका जो पार्ट ये था लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका टॉपिक फर्स्ट से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए होंगे ना, वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर टू में, और लेक्चर नंबर टू में हम लोग करेंगे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक और उसका पार्ट ए था, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपकी बुक में, वो सारे के सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर टू में।